स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लैश स्मेल्टिंग के बारे में। ठीक है, ये एक न्यूअर प्रोसेस है ऑफ कॉपर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो कॉपर एक्सट्रैक्शन का ऑलरेडी मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं, जिसमें मैंने जो कन्वेंशनल मेथड है कॉपर एक्सट्रैक्शन का, ठीक है, वो मैंने बताया पूरा का पूरा। फिर सेकेंड वीडियो मैंने रिफाइनिंग बताई है। ठीक है, अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये थर्ड वीडियो है कॉपर एक्सट्रैक्शन का, जिसमें हम लोग देखेंगे फ्लैश स्मेल्टिंग के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, नॉन फेरस मेटल एक्सट्रैक्शन करके एक प्ले लिस्ट है, उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। वहाँ पे आपको जितने भी वीडियोस हैं ना नॉन फेरस एक्सट्रैक्शन के, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए अब हम देखते हैं फ्लैश स्मेल्टिंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए फ्लैश स्मेल्टिंग, फ्लैश स्मेल्टिंग में देखो क्या होता है, दो चीज़ें एक साथ होती है। फ्लैश स्मेल्टिंग में क्या क्या होता है, एक रोस्टिंग, रोस्टिंग प्लस स्मेल्टिंग। ठीक है, मतलब रोस्टिंग और स्मेल्टिंग दोनों एक साथ होता है कि इसमें फ्लैश स्मेल्टिंग में, जबकि जो कन्वेंशनल मेथड होता है उसमें हम क्या करते थे कि जो कॉन्सेंट्रेट होता था, कॉन्सेंट्रेट मतलब जिसका फ्रोथ फोटेशन कर चुके हैं, मिनरल प्रोसेसिंग कर चुके हैं, तो जो वहाँ से मिलता है उसको कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। तो उस कॉन्सेंट्रेट का पहले रोस्टिंग करते थे हम लोग, ठीक है, कंट्रोल रोस्टिंग। उसके बाद रोस्टिंग करने के बाद उसका फिर स्मेल्टिंग करते थे रिवर बेड फर्नेस में। ठीक है, तो दो स्टेप हो जाता था रोस्टिंग और स्मेल्टिंग का, टाइम लगता था। ठीक है, काफ़ी फ्यूल वगैरह भी देना पड़ता था। लेकिन फ्लैश स्मेल्टिंग का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ एक साथ हो रही है, रोस्टिंग प्लस स्मेल्टिंग। ठीक है, और पूरा का पूरा ऑटोजीनियस प्रोसेस है, आपको अलग से हीट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जबकि रिवर बैटरी फर्नेस में हमको फ्यूल देने की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो फ्लैश स्मेल्टिंग जनरली हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, फॉर स्मेल्टिंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग ओर, जनरली सल्फाइड ओर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे चारको पैराइट हो गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो फ्लैश स्मेल्टिंग है ना, सबसे पहले डेवलप किया गया था फिनलैंड के कंपनी है, ऑटोकॉम्पो करके कंपनी है, हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, बट ये कंपनी का नाम है जिसने सबसे पहले डेवलप किया था फ्लैश स्मेल्टिंग। ठीक है, 1949 में। उसके बाद सेकेंड जो फ्लैश स्मेल्टिंग डेवलप किया था वो थे इंटरनेशनल निकिल कंपनी, इसको निकिल कंपनी ऑफ कनाडा ऐसा कुछ भी बोलते हैं। तो इन्होंने भी सेकेंड जो फ्लैश स्मेल्टिंग प्रोसेस है वो डेवलप किया था। ठीक है, दोनों का प्रोसीजर वगैरह सेम है, प्रिंसिपल सेम है, बस थोड़ा सा फर्नेस का डिज़ाइन इसमें क्या है, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, अब देखते हैं, सीधा मैं आपको फर्नेस से दिखाता हूँ, वहीं से पूरा प्रोसेस बताऊँगा। ये जो फोटो है वो है ऑटोकॉम्पो, जो फिनलैंड की कोई कंपनी है, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ये डेवलप किया था। तो ये एक फ्लैश स्मेल्टर है, इसी में फ्लैश स्मेल्टिंग करते हैं। इसका सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्शन देखो कैसा है, ये लंबा सा ऐसा फर्नेस होता है, इसके ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ पे हम चार्ज करते हैं, ये वाला एरिया क्या है, चार्जिंग एरिया, जहाँ चार्जिंग होता है और स्मेल्टिंग रोस्टिंग दोनों एक साथ होता है। ये वाला एरिया क्या है, जहाँ से ऑफ टेक गैस जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, और ये जो बीच का एरिया वो क्या है, यहाँ पर आपका स्लैग और मैट जो है वो जमा होता जाता है बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं, अपना जो कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट मतलब जो फोर्थ फोटेशन से होके आ चुका है, ठीक है, उसको कॉन्सेंट्रेट बोल, मतलब कॉपर का ही ओर है जिसको हम लोग इनरीच कर चुके हैं बाई फोर्थ फोटेशन प्रोसेस। तो कॉन्सेंट्रेट और सैंड, सैंड मतलब यहाँ पे सिलिका है, सिलिका हम इसलिए डालते हैं क्योंकि फ्लक्स का काम करता है स्लैग बनाने के लिए। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट और सैंड को हम किसके साथ भेजते हैं, यहाँ पे बर्नर में ऑक्सीजन के साथ, है ना, प्रीहीटेड ऑक्सीजन होता है या इनरीच्ड एयर होता है, या तो ऑक्सीजन प्योर होगा या फिर इनरीच्ड ऑक्सीजन, मतलब एयर में हम ऑक्सीजन के कंटेंट को बढ़ा करके भेजते हैं और प्री हीटेड कंडीशन में भेजते हैं, ताकि अंदर जाके तुरंत क्या हो जाए, मतलब बर्निंग हो। ठीक है, अब देखो बर्निंग या हीट डेवलप कैसे होता है, जैसे हम कॉन्सेंट्रेट और सैंड को एक साथ यहाँ भेजते हैं ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेट में जो आयरन सल्फाइड होता है, ठीक है, अब देखो कॉन्सेंट्रेट में मेन चीज़ क्या होता है, यहाँ पे मेन आपका कॉपर सल्फाइड होता है और आयरन सल्फाइड होता है। ठीक है, तो कन्वेंशनल रूट में मैंने क्या बताया था कि कन्वेंशनल रूट में क्या करते हैं, यही जो आयरन सल्फाइड है ना, इसका कंट्रोल रोस्टिंग करके इसी आयरन सल्फाइड को ना आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल रोस्टिंग में ये होता है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब आयरन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो करके जब आयरन ऑक्साइड बनाता है ना, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे हीट डेवलप, मतलब इससे हीट निकलता है बाहर। तो वही क्या होता है, जब हम कॉन्सेंट्रेट को यहाँ पर डालते हैं ना, तो जैसे ही ये गर्म हवा के कॉन्टेक्ट में आता है या गर्म ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, क्या होता है, आयरन सल्फाइड का तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाता है। आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, FeO बना लेता है, FeO प्लस SO2। ठीक है, ये आपका बन जाता है। अब ये रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक है, तो इतना हीट इससे डेवलप होता है ना कि पूरा, मतलब जो रॉ मटेरियल है पूरा मेल्ट हो जाता है। ठीक है, रोस्टिंग भी हो जाता है। रोस्टिंग कैसे होता है, ये जो आयरन सल्फाइड जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, जो FeO बना रहा है, यही तो रोस्टिंग है। रोस्टिंग भी हो गया तुरंत और इससे इतना हीट डेवलप हुआ कि जो भी रॉ मटेरियल वो मेल्ट भी हो गया। ठीक है, तो जो FeO बना
है ना, ईफ्यू जो बना वो सिलिका के साथ रिएक्शन कर लेता है SiO2 के साथ, और ये फाइलाइट बना लेता है, Fe SiO3 करके फाइलाइट मतलब स्लैग बना लेता है, स्लैग बना करके नीचे बैठ जाता है। और जो बाकी जो कॉपर सल्फाइड होता है और कुछ बचा हुआ आयरन सल्फाइड होता है जो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए, ये दोनों मिक्स होकर क्या बना लेता है, मैट बना लेता है। तो ये दोनों का अपना अलग लेयर बन जाता है, नीचे मैट का लेयर बन जाता है क्योंकि मैट भारी होता है, उसके ऊपर स्लैग का लेयर बन जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। मतलब ये जो आपको शाफ्ट दिख रहा है ना, इसी में ही आपको पूरा रोस्टिंग प्लस स्मेल्टिंग दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ये सब स्लैग और मैट जमा होगा, उसको टाइम टाइम पे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से ऑफ टेक गैस बाहर निकलते हैं, ऑफ टेक गैस में मेन आपको होता है SO2। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे जो 80% सल्फर होता है ना, वो SO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इसका क्या फ़ायदा है कि इस SO2 का उपयोग आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये ऑफ टेक गैस से जो SO2 निकलता है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनने का काम आता है। अब यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये भी फ्लैश स्मेल्टर है, लेकिन इसको कौन डेवलप किया है, इंटरनेशनल निकल कंपनी जो कनाडा की कंपनी, उसने डेवलप किया है। इसमें क्या डिफरेंस है देखो, इसमें जो ऑफ्टिंग गैस यहाँ बीच से बाहर निकलता है, जबकि यहाँ पे क्या था इस केस में, एक तरफ हम चार्ज करते थे पूरा एक एरिया, पूरा क्या होता था केवल चार्जिंग के लिए काम आता था, और दूसरा जो साइड था वो केवल ऑफ्टिंग गैस के लिए बाहर निकलने के लिए काम आता था। ठीक है, लेकिन इस वाले स्मेल्टर में देखो, ये ऑफटेक गैस यहाँ बीच से बाहर निकल रहा है और चार्जिंग हम अलग अलग जगह से चार्जिंग करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, कॉन्सेंट्रेट और फ्लक्स को किसके साथ भेज रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो ये देखो दो पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से इस साइड से हम अपना जो कॉन्सेंट्रेट है और फ्लक्स है और ऑक्सीजन है एक साथ भेज रहे हैं यहाँ, इधर से दो जगह से, और इस साइड से भी देखो, ये वाले साइड से भी वैसे ही कर रहे हैं सेम। तो मतलब हम बहुत सारी जगह से एक साथ भेज रहे हैं। ठीक है, जबकि ये वाले प्रोसेस में क्या है, केवल एक ही साइड से हम क्या कर रहे हैं, अपना जो रॉ मटेरियल है और ऑक्सीजन उसको भेज रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारी जगह से भेज रहे हैं। ठीक है, ये इसमें एक डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस प्रोसीजर वगैरह पूरा सेम है ना। तो ये कुछ रिएक्शंस है जो होती है जब हम ऑक्सीजन, जब हम कॉन्सेंट्रेट और फ्लक्स को एक साथ डालते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ठीक है, तो इसमें मेन तीन तीन रिएक्शन सबसे, चार रिएक्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। पहला रिएक्शन ये वाला है, ये इसमें चालकोपाइराइट जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और SO2। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मी के बहुत ज़्यादा है। इसका देखो यहाँ पे आपका एंथैल्पी दिया गया है। ठीक है, एंथैल्पी मतलब कितना हीट रिलीज होगा इस रिएक्शन से, तो आप हर रिएक्शन का एंथैल्पी यहाँ पे देख सकते हो कि किस रिएक्शन से कितना हीट यहाँ पे निकल रहा है। यहाँ पे यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ए। उसके बाद ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ई। इसमें क्या हो रहा है कि आयरन सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, एफ्यू। यही मतलब क्या है, मेन रोस्टिंग है ये, आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग हो गया, तो रोस्टिंग रिएक्शन है, तो इससे बहुत ज़्यादा हीट देखो डेवलप होता है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है जो कि स्मेल्टिंग का भी काम आता है ना। सेकेंड रिएक्शन कौन सा, ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसमें भी देखो जो आयरन ऑक्साइड है वो अपने हायर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एफ्यू जो है वो Fe3O4 में कन्वर्ट हो रहा है हायर ऑक्साइड में, तो ये भी खाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इतना हीट डेवलप होता है कि आपको अलग से हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब ये तो ये सारे रिएक्शन होगा जहाँ से हीट आता है। ठीक है, ये यहाँ से हीट इनपुट है, ये हीट इनपुट। अब हीट आउटपुट क्या होगा, या हीट कंज्यूम कौन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हीट हीट जनरेट कौन कौन सा रिएक्शन करते हैं, मेन जो ए है, ई, जी और एच जो रिएक्शन है ना यहाँ पे, जो मैंने बताया यहाँ पे, यही मेन रिएक्शन है, चार रिएक्शन जहाँ पे हीट डेवलप होता है। लगभग कितना हीट डेवलप हो जाता है, 93 किलो कैलोरी। ठीक है, पर मोल, इतना हीट आप क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। अब हीट कंज्यूम कहाँ कहाँ पे हो रहा है, हीट कंज्यूम दो जगह पे होगा, मेन मेन तो आपका जो मैट है उसको मेल्ट करने के लिए होगा, तो ये मेल्ट में सब चीज़ आपको रहता है, कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और कुछ मात्रा में Fe3O4। ठीक है, तो इसको मेल्ट करने में कितना एनर्जी लगता है, ये 28.7 किलो कैलोरी लगता है। और जो स्लैग है, स्लैग को मेल्ट करने में, ये सब स्लैग है पूरा, स्लैग में जाता है, तो स्लैग को मेल्ट करने में कितना लगता है, 22.9 किलो कैलोरी। ठीक है, और जो आउटकमिंग गैस है उसका टेम्परेचर 1250 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, तो ऑफटेक गैस में कितना हीट चला जाता है, 16.1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो अगर पूरा हीट कंज्यूम कंजप्शन को देखेंगे ना, तो हीट कंजप्शन कितना हो रहा है आपका, 67.7, मतलब हीट कंजप्शन या हीट रिक्वायर्ड, इतना हीट रिक्वायर्ड है 67.7, जबकि हीट जनरेट कितना हो रहा है, 1993। ठीक है, 93 किलो कैलोरी, मतलब एक्सेस में अगर आप बोलोगे ना तो 25.3 किलो कैलोरी एक्सेस हीट जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी एक्सेस हीट
क्या होता है जब हम प्रोसेस करते हैं तो कुछ हीट क्या होता है लॉस भी होता है बाहर, तो लॉस को भी 25.3 किलो कैलोरी इतना काफ़ी है कि हीट लॉस को मेंटेन कर ले, ठीक है। मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हीट हम डेवलप कर लेते हैं बाय द रिएक्शन। तो ये पूरा ऑटोजीनियस रिएक्शन होता है, अलग से आपको कोई भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब ये जो मैट हमको मिला है ना, ये जो मैट हमको मिला फ्लैश रोस्टिंग से, यही आप क्या है मेटालिक सल्फाइड का मिक्सचर होता है। अब आगे का प्रोसेस सिमिलर होगा कन्वेंशनल रूट के जैसे, हम इसका क्या करेंगे कन्वर्टिंग करेंगे, कन्वर्टिंग से हमको क्या मिलेगा ब्लिस्टर कॉपर, फिर उसका फायर रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है। आगे का प्रोसेस सेम होता है बट स्मेल्टिंग इसमें करते हैं तो काफ़ी सारा खर्चा बच जाता है, ऑफ टेक गैस से हम आसानी से सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी एनर्जी इफिशेंट प्रोसेस होता है ये, ओके ठीक है। तो ये था एंड इस वीडियो का, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।